बहुत चिंता है जनता की, बहुत ज्यादा चिंता है, क्योंकि अगर ये है कि एक दो दिन में बारिश का भी अलर्ट हो गया है, अगर डेरा नदी में दोबारा पानी आ गया तो बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। इससे पहले तो आज हमारे बंटी भाई ने जो हमें फोन किया कि आपके यहाँ जो आपदा आई है उसमें हम कुछ सहयोग करना चाहते हैं, तो बंटी भैया ने खालसा फाउंडेशन की तरफ से जो खालसा फाउंडेशन की पूरी टीम है, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने व्यक्तिगत खर्चे पर इन्होंने पत्थर का इंतजाम किया। शर्म आनी चाहिए सरकार को कि आम जनता जो है जनता के लिए, अपने शहर की जनता के लिए तैयार है, लेकिन सरकार पता नहीं क्या करे। जबकि अगर सरकार को युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम कराने की आवश्यकता थी, सरकार सो रही है। मुख्यमंत्री धामी जी को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो हजारों लोग जो है बेघर भी होंगे, कुछ लोगों की मौत भी हो सकती है, क्योंकि मकान अब कहाँ से कितना गिर जाए कुछ नहीं पता। देखिए इस समय लगभग 25 से 30 परिवार सड़कों पे हैं, कोई अपने रिश्तेदारी में रुका है, सामान उन्होंने कहीं और रख दिया है, कोई अपना सड़कों पर टेंट लगा के सो रहा है, मतलब इस समय लोगों का दर्द देखा नहीं जाता। खाने पीने का इंतजाम प्रशासन की ओर से बहुत ठीक है, सुबह चाय नाश्ते का प्रोग्राम चल रहा है, दोपहर को खाना भी समय से आता है, शाम को भी खाना समय से आता है, खाने की लगभग मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, किसी को छोटी मोटी कोई दिक्कत होती है तो उसको हम अपने हिसाब से नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बहुत चोट लग जाएगी, लंबा असफलता करेगा जो ये लोगों को बचाने के लिए बजट पेश होगा, बजट नहीं दे रहा है, बजट है ही नहीं, अब जब बजट नहीं होगा तो लोगों को कैसे बचाया जाए। ऐसी सरकार का प्रशासन जो है अपनी स्तर से जो मदद हो पा रहा है, प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, SDM साहब का, तहसीलदार साहब का और सिंचाई विभाग का, कि वो बिना पैसे के इतना मैनेजमेंट कर रहे हैं कि लोगों को बचाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। मतलब कहना यह है कि ऐसी सरकार का ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं है जो अपने राज्य के लोगों को ना बचा। विधायक जी नहीं आए थे, विधायक जी से कल मेरी त्रिलोक सिंह चीमा जी से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। त्रिलोक सिंह चीमा जी का ये कहना है कि मैंने उनको बताया कि भैया ऐसे ऐसे बात है और हमारे वार्ड के अंदर जो है 5 से 6 मकान गिर गए हैं, 10 से 12 मकान अभी गिरने की जद में, जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लोग सड़कों पर आ चुके हैं, बजट की कमी है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है आपदा में अपनी विधायक निधि से कुछ 20-25-30 लाख रुपया दीजिए, ताकि बजट की दिक्कत खत्म हो, ताकि हम पत्थर खरीद कर और पत्थरों से यहाँ पर की टीम बनाकर लोगों को बचा सके, लोगों को घरों को बचा सके। तो विधायक जी का कहना यह है कि ये सब बड़े वाले चीमा जी करेंगे, बड़े वाले चीमा जी जो है अभी 3 दिन के लिए चंडीगढ़ गए हैं, जब वो आ जाएंगे तो हम आपको फोन करके बुला लेंगे, जो मदद हो पाएगी वो करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि 3 दिन में बारिश का रहता है, अगर गया तो बहुत बड़ी समस्या होगी।